नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, इनका सोमवार सुबह 2 बजे निधन हो गया। अनंत कुमार, इनको कैंसर था। बंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज शुरू था, मगर सुबह 2 बजे उनका निधन हो गया। वो 59 साल के थे। लंदन में कैंसर का इलाज कर हाल ही में वो भारत लौटे थे। दक्षिण बंगलुरु मतदार संघ से 6 बार वह निर्वाचित हुए थे। उनका पार्थिव बंगलुरु नेशनल कॉलेज में अंत्य दर्शन के लिए रखा गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनंत कुमार ये बहुत ही अच्छे नेता थे। अपने युवा काल में ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। संपूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने समाज की सेवा की। उन्होंने किए अच्छे काम हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके परिवार के दुख में हम सब शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंत कुमार, इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने जताया दुख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने भी अनंत कुमार के निधन पर तीव्र दुख जाहिर किया। उनके जाने से कर्नाटक की जनता और देश का बहुत नुकसान हुआ है। उनके परिवार के मित्रों के दुख में देश सहभागी है, ऐसा राष्ट्रपति इन्होंने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने भी अनंत कुमार इनके निधन पर शोक जाहिर किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंगोली में अस्पताल की तोड़फोड़ कर कर्मचारियों पर हमला। हिंगोली शहर में श्वास क्रिटिकेयर अस्पताल में रुग्ण के साथ आए रिश्तेदार ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से मारपीट की। इस मामले में 2 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। जिला परिषद मैदान के पास ये श्वास क्रिटिकेयर अस्पताल है। यह घटना शनिवार रात 10:30 बजे घटी। इस प्रकरण में शेख नजीर शेख कदर, इनके कहने पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। काल रात्रि एक नातेवाईक लहान बाळाला घेऊन श्वास क्रिटिकेअर मध्ये घेऊन आला होता, तर त्यावेळेस डॉक्टर इमर्जन्सी असल्यामुळे बाहेर गेले होते, तर ते डॉक्टर नाहीत म्हणून त्यांनी तोडफोड केली हॉस्पिटलची, श्वास हॉस्पिटलची। हा, आता निवेदन, गुन्हा दाखल करण्यासाठी निवेदन दिलेलं आहे, प्रोसेस चालू आहे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।